स्किन को लाइटनिंग बनाना चाहते हो, स्किन के पिगमेंटेशन के, स्किन के मेलेज़मा को आप खत्म करना चाहते हो, तो आपने आज की वीडियो पर सही वीडियो पर क्लिक करा है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इल्टी ग्लो क्रीम के बारे में। इल्टी ग्लो क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसके अंदर कई विटामिन यूज किए गए हैं, कई पावरफुल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जो हमारी स्किन को कई तरह से स्किन को लाइटनिंग बनाने में काफी तक हेल्प करेगी। हमारी स्किन का कई तरह की प्रॉब्लम है उसको हटाएगी और हमारी स्किन को बिल्कुल ग्लो करेगी। तो आज के वीडियो में इसके अप्लाई करने के तरीके के बारे में बात करूंगा, कौन कौन सी स्किन पर हम इसको लगा सकते हैं वो आज के वीडियो में बताऊंगा, ये हमारी स्किन पर किस तरह से वर्क करेगा वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बात करता हूँ इल्टी ग्लो क्रीम के बारे में, जो एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा स्किन को लाइटनिंग देता है। तो पहले बात कर लेता हूँ ये हमारी स्किन को किस तरह से लाइटनिंग बनाता है और हमारी स्किन को ग्लो करता है। तो अक्सर होता क्या है गाइस, हम कई ऐसे केमिकल क्रीमें यूज करते हैं, जैसे स्किन के अंदर स्टेरॉइड केमिकल क्रीमें यूज करते हैं, इसके अंदर कई केमिकल यूज किए जाते हैं जिनको हम यूज करते हैं, वो हमारी स्किन को जल्दी से तो गोरा बना देता है, लेकिन गाइस जैसे हम उनको छोड़ते हैं वैसे ही हमारी स्किन को ब्लैक कर देता है और हमारी स्किन को रेडनेस कर देता है, जिससे आगे जाके हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्किन पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो देखो गाइस, जो इल्टी ग्लो क्रीम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसके अंदर ना तो कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो हमारी स्किन को साइड इफेक्ट्स करेगा या फिर हमारी स्किन को रेडनेस करेगा, स्किन को एचिंग करेगा, स्किन को ड्राई करेगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो हमारी स्किन को लाइटनिंग बनेगा। ये हमारी स्किन पर किस तरह से वर्क करेंगे इंग्रेडिएंट्स, तो देखो गाइस इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किया है एल ग्लूटाचिन, जो एक पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, कोजिक एसिड इसके अंदर यूज किया है, अल्फा आर्बुटिन, विटामिन ए, विटामिन एफ, विटामिन सी, ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, जो एक डॉक्टर रिकमेंड माने जाने वाले इंग्रेडिएंट्स है। जो इन इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई क्रीम होती है वो ज्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि गाइस इनके जो इंग्रेडिएंट्स है इनसे हमारी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट्स बिल्कुल होता ही नहीं है। जैसे कि हम इनको छोड़ भी देते तो स्किन पहले जैसी ब्लैक बिल्कुल नहीं होती है और हमारी आगे जाके स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो आगे जाके स्किन ड्राई भी नहीं होती और स्किन सेंसिटिव भी नहीं होती है। तो कोजिक एसिड, एल ग्लूटाचिन ये ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कई बड़ी बड़ी क्रीमों में यूज किए जाते हैं, जो कि कई तरह के टेबलेट में यूज किए जाते हैं, क्योंकि गाइस ये पावरफुल इंग्रेडिएंट इसलिए हैं जो हमारी स्किन पर जल्दी से रिजल्ट देने के बाद हमारी स्किन को पहले जैसा वापस नहीं करता है और हमारी स्किन को ड्राई भी बिल्कुल भी नहीं बनाता है, ठीक है ना गाइस। तो इसके अंदर इस प्रकार से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं और ये हमारी स्किन पर इस तरह से, तो ये हमारी स्किन कोलेजन स्थिति को बढ़ा के हमारी स्किन को अच्छे तरह से निखार देता है और हमारी स्किन के मेलेज़मा को हटाता है। तो देखो गाइस आपको कौन कौन से स्किन पे इस क्रीम को यूज नहीं करना, आपकी स्किन ड्राई है, स्किन सेंसिटिव है, स्किन पे पहले से कोई साइड इफेक्ट है या फिर कोई क्रीम यूज कर रहे हैं तो उन स्किन पे आप इसको बिल्कुल यूज मत करना, स्किन ऑयली है तो भी यूज मत करना, स्किन पे छोटे छोटे पिंपल्स है तो यूज मत करना। अब आपको कौन कौन से स्किन और कौन कौन सी कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो स्किन पे, अगर स्किन पे मेलेज़मा है, डार्क स्पॉट है, स्किन को गोरा करना है, अगर आपको आपकी स्किन बिल्कुल सांवली है तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हो। आपको बता देता हूँ इस क्रीम का रिजल्ट हमारे स्किन के अंदर कम से कम 20 दिन बाद दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि गाइस ये एक स्टेरॉइड क्रीम बिल्कुल भी नहीं है और इसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किया गया, ऐसा केमिकल यूज नहीं किया गया जो हमारी स्किन को जल्दी से गोरा बनाएगा, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल इतना सा कि है आपको ओनली फॉर इसको नाइट में सोते समय ही अप्लाई करना है, ठीक है ना। सुबह उठने के बाद अच्छा सा सनस्क्रीन यूज करना है जो आपकी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करेगा, स्किन को गोरा बनाने के लिए, आपकी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करने के लिए सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, हमारी स्किन पे होने वाले यूवी किरणों से कहीं नुकसान से हमारी स्किन को बचाने में हेल्प करेगा। इसको 18 प्लस वाले ही यूज कर सकते हैं, उससे कम वाले बिल्कुल भी इस क्रीम का यूज मत करना, नहीं तो आगे जाके ही आपकी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। यह हमारी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम हटा देगा वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, कितने देर में डील सब कुछ आज की वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। बात करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। गाइस अगर आप इसको सही तरह से यूज नहीं करते हो तो आगे जाके आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है, और जो जो स्किन पे मैंने आपको बताया उन स्किन पे यूज करते हो तो आपकी स्किन पर और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज इस क्रीम को एक बार यूज करने से पहले स्किन डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आप इस क्रीम का यूज करना, जिससे आपके लिए काफी तक हेल्प होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छी लगती लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।